तो बाहर तो धूप है नहीं, तो अभी मैं टॉर्च की मदद से आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टॉर्च मार को सोलर पैनल पे, हमारा जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे सोलर पैनल में टॉर्च मार रहा हूँ, हमारा जो लाइट है वो ऑफ हो गया है। तो मैं टॉर्च मार के देता हूँ यहाँ पे सोलर पैनल पे, और मैं अभी रूम का लाइट को ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लाइट है बहुत ही तेज ग्लो कर रहा है, और जैसे मैं टॉर्च को सोलर पैनल पे मारता हूँ तो आप देख सकते हैं हाँ जो लाइट है कोब एलई लाइट वो ऑफ हो गया है। जैसे मैं टॉर्च को यहाँ हटा देता हूँ तो फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर चैनल टेक्निकल BNK। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सोलर पैनल का यूज़ करके एक ऑटोमेटिक सोलर इमरजेंसी लाइट सर्किट बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इजी है। आप उसे घर पे भी इजीली बना सकते हैं और आप उसे घर में इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये लाइट है ये दिन के समय तो ऑफ रहेगा और जैसे ही रात हो जाएगा ये सोलर पैनल से लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। और जैसे ही बाहर आप ले जाएंगे सोलर पैनल को, तो हमारा जो बैटरी है वो इस सोलर पैनल की मदद से अच्छे से चार्ज हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सोलर पैनल चाहिए एक, अब मैं 5 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ, आप इस 5 वोल्ट का सोलर पैनल यूज़ कीजिए। और हमें चाहिए एक लिथियम बैटरी, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जो कि 3.7 वोल्ट और 1200 mAh का है। आप इसकी जगह पे मोबाइल का बैटरी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यूज़ कर रहा हूँ एक 4 वोल्ट का कोब एलईडी लाइट, आप इसकी जगह पे और कोई लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है BC547 ट्रांजिस्टर। अब मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं BC547 ट्रांजिस्टर चाहिए। और अभी हमें एक चीज़ चाहिए, तो अभी मैं उसे भी आपको दिखा देता हूँ। और आपको चाहिए एक 1 किलो ओम्स का रेजिस्टर, आपको 1K और 1/4 वाट में एक रजिस्टर चाहिए। और हमें चाहिए एक डायोड जो कि IN4060 नंबर का डायोड है। तो टोटल इन सब चीज़ों से हम एक ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इन सारे चीज़ों को फ़िलहाल साइड में रख देता हूँ, फिर आपको एक एक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं सोलर पैनल में कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि सारे कनेक्शन हमें सोलर पैनल पे करना है। तो अभी मैं सोलर पैनल को यहाँ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने इस प्रकार से इसे एडजस्ट कर लिया है। और हमें क्या करना है, ये जो डायोड है ये डायोड का एक तरफ जो साइड है मैं दिखा देता हूँ, एक तरफ का साइड है ब्लैक साइड है और यहाँ पे एक सिल्वर कलर का पट्टी है। तो फ्रेंड्स ये जो ब्लैक कलर का साइड है ये डायोड का पॉजिटिव है, जो सिल्वर कलर का साइड है डायोड का नेगेटिव है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सोलर पैनल के नेगेटिव पर ये डायोड का सिल्वर कलर यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस डायोड को यहाँ अच्छे से लगा दिया है, और हमें इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे लगाना है। तो अभी मैं ट्रांजिस्टर के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि एक BC547 ट्रांजिस्टर है, इसके जो फास्ट वाला लेग है वो है कलेक्टर, और बीच वाला लेग है बेस, और लास्ट वाला है ईमीटर। तो हमें इस ट्रांजिस्टर का ईमीटर को इस डायोड के पॉजिटिव पर यहाँ पे इस तरह से सोल्डिंग करना है। तो चलिए मैं अभी सोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे BC547 ट्रांजिस्टर को अच्छे से लगा दिया है, और हमें यहाँ पे इस 1K का जो रजिस्टर है इसे हमें लगाना है। तो अभी मैं बता देता हूँ हमें कैसे लगाना है। जैसे कि 1K का रजिस्टर है, इस रजिस्टर का हमें एक पॉइंट को इस ट्रांजिस्टर के बेस में सोल्डिंग करना है, और दूसरे वाला पॉइंट को सोलर पैनल के नेगेटिव पर सोल्डिंग करना है। तो चलिए मैं सोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1K रजिस्टर को इस प्रकार से लगा दिया है। मैंने इस ट्रांजिस्टर के बेस पर इस रजिस्टर को लगा के सोलर पैनल के नेगेटिव पर सोल्डिंग कर दिया है। तो चलिए मैं लाइट के कनेक्शन आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं ये जो 4 वोल्ट का कोब एलईडी लाइट है, इस लाइट का जो पॉजिटिव वाला ये जो रेड कलर का वायर है लाइट का पॉजिटिव है, और ये वाला जो येलो कलर का है ये लाइट का नेगेटिव है। तो हमें लाइट का नेगेटिव को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे सोल्डिंग करना है। तो अब मैं इसे सोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ।
तो आप देख सकते हैं मैंने लाइट के कनेक्शन भी यहाँ कर दिया है। जैसे कि लाइट का जो पॉजिटिव वाला वायर है उसे मैंने सोलर पैनल के पॉजिटिव पे सोल्डिंग कर दिया है। जो इस लाइट का नेगेटिव वाला वायर है उसे मैंने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे सोल्डिंग कर दिया है। तो चलिए अब मैं बैटरी के कनेक्शन भी आपको बता देता हूँ। तो मैंने बैटरी पर दोनों वायर कनेक्ट कर दिया है। ये वाला है बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर रेड वाला, ब्लू वाला है बैटरी का नेगेटिव वाला वायर। तो चलिए मैं बैटरी के कनेक्शन भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि बैटरी का जो पॉजिटिव वाला वायर है उसे हमें सोलर पैनल के पॉजिटिव पे डायरेक्ट सोल्डिंग करना है। तो मैं पहले सोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बैटरी के पॉजिटिव वाला वायर को यहाँ पे सोलर पैनल के पॉजिटिव पे सोल्डिंग कर दिया है। और ये जो बैटरी का नेगेटिव वाला वायर है उसे हमें इस डायोड पे सोल्डिंग करना है। तो चलिए मैं इसे सोल्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे यहाँ बैटरी कनेक्शन कर दिया है तो हमारा सर्किट है वो हमारा एक्टिव हो गया है। तो चलिए अब मैं इस प्रकार से इसे निकाल के इसे फिलहाल साइड में रख देता हूँ। और अभी मैं सर्किट का है तो अभी मैं इसके कनेक्शन आपको एक एक करके बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट का सोलर पैनल यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने IN4060 नंबर का डायोड लगाया है। और डायोड जो सिल्वर कलर का साइड है उसे मैंने सोलर पैनल के नेगेटिव पे सोल्डिंग किया है। और मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है जिसका नंबर है BC547 ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर जो फर्स्ट वाला लेग है ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, बीच वाला बेस और ये ई मीटर। इस ई मीटर पॉइंट को मैंने डायोड के पॉजिटिव पे सोल्डिंग कर दिया है। और यहाँ पे मैंने एक 4 वोल्ट का कोव LED लाइट लगाया है। ये जो LED लाइट का पॉजिटिव है उसे मैंने सोलर पैनल के पॉजिटिव पे डायरेक्ट सोल्डिंग कर दिया है। और जो इस लाइट का नेगेटिव वाला वायर है उसे मैंने कलेक्टर पे सोल्डिंग कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लगाया है एक 1K का रेजिस्टर जो कि 1/4 वाट में है, उसे मैंने ट्रांजिस्टर के बेस पे सोल्डिंग कर दिया है। और जो सोलर पैनल का नेगेटिव पे यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक लिथियम आयन बैटरी का पॉजिटिव को मैंने सोलर पैनल के पॉजिटिव पे सोल्डिंग कर दिया है। और जो लिथियम आयन बैटरी का नेगेटिव है उसे मैंने डायोड पे यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है, ट्रांजिस्टर के पॉइंट और डायोड के पॉइंट पे। तो बहुत ईजी कनेक्शन है, आप घर पे भी इसे ईजिली बना सकते हैं। चलिए मैं इसे टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो लाइट के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें जैसे बता देता हूँ। जैसे कि सोलर पैनल पे धूप पड़ेगा और यहाँ पे लाइट भी पड़ेगा सोलर पैनल पे, तो हमारा जो लिथियम आयन बैटरी है वो ऑटोमेटिक चार्ज होने लगेगा। और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा या फिर सोलर पैनल अंधेरे जगह में आप ले जाएंगे तो हमारे जो लाइट है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लाइट है वो एक्टिव हो गया है। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो बाहर तो धूप है नहीं तो अभी मैं टॉर्च की मदद से आपको बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टॉर्च मारूंगा सोलर पैनल पे हमारा जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं जैसे सोलर पैनल में टॉर्च मार रहा हूँ हमारा जो लाइट है वो ऑफ हो गया है। जैसे मैं टॉर्च को ऑफ कर देता हूँ हमारा जो लाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो गया है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते लाइट भी ऑफ गया है हो गया है। तो अभी मैं आपको लाइट बंद के दिखा देता हूँ। जैसे मैं टॉर्च मारूंगा हमारा जो लाइट है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो मैं टॉर्च मार के देता हूँ यहाँ पे सोलर पैनल पे और मैं अभी रूम का लाइट को ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लाइट है बहुत ही तेज ग्लो कर रहा है। और जैसे मैं टॉर्च को सोलर पैनल पे मारता हूँ तो आप देख सकते हैं हाँ जो लाइट है कोव LED लाइट वो ऑफ हो गया है। जैसे मैं टॉर्च को यहाँ हटा देता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही तेज ग्लो कर रहा है ये लाइट। और जैसे मैं टॉर्च को मार देता हूँ फिर से सोलर पैनल पे हमारा जो लाइट है वो ऑफ हो गया है। तो आप देख सकते हैं ऐसा नहीं उसका ब्राइटनेस स्लो है, आप देख सकते हैं बहुत ही तेज ब्राइटनेस में ग्लो कर रहा है, ब्राइटनेस बहुत ही तेज है। चलिए अब मैं स्टूडियो का लाइट ऑन कर देता हूँ। तो आपने फ्रेंड्स देखा मैंने बहुत ही इजीली एक ऑटोमेटिक सोलर एमरजेंसी लाइट सर्किट बना दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और एक न्यू और फ्रेश वीडियो में।